मैं 10-12 साल हो गए उन्हें ना रहने मेरी बीवी नहीं मैंने कान को नहीं जीता तुसी जिस तरह सो रहे सी कमरा ते नहीं सी घर ते नहीं सी चंगा लगता है उस तरह सो नहीं निकाह कीता है नहीं तो मोहब्बत ही हुंदी सास की हुंदा है उम्र में ये बड़ी है उससे और 10 साल से बगैर निकाह के रह रहे हैं मेरे को अच्छा लगता है मेरे को अच्छा समझता है मेरी बेटी को अच्छा समझता है मेरे को घर वालों को अच्छा समझता है ये खां की शान है और मेरी जान है अच्छा चल तू अपनी फोटो ना दिखा ते 10 साल हो गए नहीं निकाह क्यों नहीं होने दा सवाल है ना अच्छा तेरे मुंह क्यों सड़िया है खुदकुशी की किस तरह मैं सही खिताब करांगी इन्हां दे खिलाफ तेरे नाल अगर असी जे ने ना गलत कीता है तो तू गल कर असी ने ना गलत कीता है तो फिर तू देख तेरे नाल बदतमीजी कीती किसी ने कोई बदतमीजी करता आगे नशा कर दी बाजी तेरी बुढ़ी है उनके दिमाग है जिदा इंदा नशा कर हां जी सही मायने च तेरी जी तेरी बीवी मैं 10-12 साल हो गए उन्हें ना रहने मेरी बीवी नहीं मैंने कान को नहीं कीता उन्हें ना वैसे मैंने 10-12 साल हो गए देखो एक गल है तू क्योंकि सच्ची गल कर रहे हैं ठीक है झूठ भी बोल सकता सी तुसी जिस तरह सो रहे सी कमरा ते नहीं सी घर ते नहीं सी चंगा लगता है उस तरह सो नहीं ना निकाह कीता है नहीं देख उन्हें सच्ची गल की है बंदा गल ही करनी है ना गल करे जो गल है जो सवाल है ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਾਲ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚਵਾਣ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੇ ਮੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਾਹ ਇਹ ਇਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਸਬੂਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ ਉਸੇ और 10 साल से बगैर निकाह के रह रहे हैं आगे बताओ उसकी क्वालिटीज बताओ खूबियाँ बताओ खूबियाँ है मेरे को अच्छा लगता है मेरे को अच्छा समझता है मेरी बेटी को अच्छा समझता है मेरे को घर वालों को अच्छा समझता है ये खां की शान है और मेरी जान है और मेरे बच्चों को निकाह क्यों नहीं किया इन्ना का तेरे उत्ते जान छिड़कता है तेरी बच्चिया का विआह किया है तेरे नाल रह रहा है तेनू हुस्न दी उन्हें वो डिमांड नहीं की तेरे तो ज्यादा सोना है कारोबार फिर भी तेरे नाल गुजारा कर रहे हैं ऐसी केड़ी केड़ी गिद्दर सिंगी है तेरे को मानदारी गिद्दर सिंगी साड़ी ते 10 साल हो गए नहीं निकाह क्यों नहीं किया होने दा सवाल है ना अच्छा ओदे कोल पूछा की उम्र है तेरी 40-45 साल है मेरी 40-45 ओदी की उम्र है ओदी है कि बत्तियां ला के नहीं छत्तियां ला आएगा तो चलो मजाक हट के हुन एक मैं सीरियस गल करा जिस वक्त हम आए है ना आप गैर मुनासिब तरीके से सो रहे थे अल्लाह को पता है या आपको पता है या आपने हमें बताया तो हमें पता चला कि आप बगैर निकाह के सो रही हैं दुनिया वालों को तो नहीं ना पता गुनाह है ना दूसरे लोगों को क्या सबक जाता है कि ये है ये मामला है चार दीवारी में बंदा जो मर्जी करे वो एक पर्दा होता है गलत तरीके से सो रहे थे फिर तू अगों तू क्या है जी फलां है जिदा मैं एक हालांकि तुम्हें फट्टे पे 2 दिन देखे हमने अकेले ए कितने से ए घर दा घर घर केड़ा घर अच्छा तू भी आ जा ना नहीं तेरे कोल भी मैं सवाल करना अच्छा चल तू अपनी फोटो ना दिखा नहीं नहीं कैमरा नहीं आ रहा है हो जाए यार नहीं
अच्छा तेरे मुंह क्यों सड़िया है, तेजाब छुटिया की होया? मैं आपदी खुदकुशी आप की थी। खुदकुशी? खुदकुशी की थी कि किस तरह? बच्चियां भूखियां तो गरीबी से मेरे का की छुटिया सी, किस तरह खुदकुशी करण दी? तेल पा के सारी गल अग ला जांदा बंदा। अग ला देती सी? हां जी। फिर बची किस तरह सी? अल्लाह दे काम है। ये तो पूरी सड़ी हुई है, खा जरा। चलो हुण पूरी हिस्ट्री मैं नहीं तो हिस्ट्री पूछनी है ना तेरे। देख हो सकता है तेरी कोई इमदाद आवे बाहरों। मुंह भी सड़िया है? पहले इस तरह से सी के सड़न तो बाद इस तरह रंग सड़ गया है? शुरू दी इस तरह सी? सॉरी तो मैं तेरे तो भी सोनी सी। मेरे तो भी सोनी। उन याद आंदा है शादी के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की थी? कितने बच्चे थे? शादी थी मेरी, दो बच्चे थे, फिर चार हो गए। अच्छा, जब खुदकुशी की दो बच्चे थे, उसके बाद जब जली तो कौन लेके गया? शोहर ने बचाया या हकम सायों ने? मेरी अम्मी ने। अम्मी ने? अच्छा, फिर कितने दिन हॉस्पिटल रही? फिर किस तरह किसी ने इलाज करवाया? घर इलाज करवाया। तकलीफ नहीं हुई? जलने की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना। कितना हिस्सा फूल जल गया या बचा लिया था? बच बचाओ? हाँ बच बचाओ। अब शादी करवा दें आपकी? 10 साल हो गए ये नेक काम नहीं हुआ। बंदे को फौत हुआ कितना अरसा हो गया? फिर हो गया ना 12 साल। 12 साल यानी शोहर फौत होने के 2 साल बाद ये तुम्हें मिला? की चाहनी है? कोई हेल्प चाहनी है? निकाह चाहनी है? तेरे लिए ऐसी की कर सकते? कुछ नहीं चाहनी मैं। कुछ नहीं चाहनी? ते कर्जी मान सकोगे कि इस तरह ना कट्ठे सोए दूर दूर? हो सकता है कोई हो रहा जाए उन्होंने रेकी की। उसके बाद पता चला उन्होंने खुद बताया जी हमारा निकाह नहीं है, बाकी मामला आतिफ भाई बताएंगे कि क्या कहते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आतिफ भाई, ये कैसे आपकी आपने आंखों में कोई खुर्दबीन लगाई है, कोई दूरबीन लगाई है, कैसे मामला मैडम? रैकी तो हम डेली बेस जैसे रोजाना करते हैं, ऐसे ही कर रहे थे, पार्क में लेटे थे, ऐसे लग रहा था जैसे दोनों ही जेंट्स हैं। अच्छा, इसने जेंट्स कपड़े पहने? जेंट्स है, किसी को फील भी नहीं हो रहा था जेंट्स है। पहले तो एक दफ़ा तसल्ली की है कि वाकई ही ये लड़की है, आस पास से पूछा है, मुकम्मल इसकी रैकी की है। नहीं, आपको अंदाजा कैसे हुआ? आपने पाँव पे नेल पॉलिश? पाँव पे नेल पॉलिश देखी है, बाल देखे हैं, तो बाल देखे मैंने बोला ये तो लड़की है। तो फिर आस पास पूछा तो उन्होंने बोला जी वाकई ही लड़की, ये पहले इधर ही सोती है, ये जो बंदा है इसके साथ ही होता है। तो बंदा ही खूबसूरत है इसके मुकाबले? वो तो खूबसूरत है, लेकिन आस पास के लोगों ने यही बताया कि ये मियाँ बीवी हैं, लेकिन मामला जो अंदर से कुछ और निकला है। हम मैं तो इसी वजह से आया था कि इनकी स्टोरी कर रहे हैं, चलो एक स्टोरी करते हैं कि क्या मामला था, क्यों बाहर रह रहे हैं, चलो इनका कोई घर कमरा वगैरह किस तरह कोई इनको सहूलत मिल जाए, लेकिन ये मामले कुछ और निकले इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, हम लोग सिर्फ ये नहीं करते कि हम लोग स्टोरी बनाकर या वीडियो बनाकर हमने एक्सपोज करना होता है। कोशिश यही होती है कि जो ख़वातीन या लड़कियां घरों से भाग के आती हैं उनसे एड्रेस पूछते हैं, नंबर्स पूछते हैं, उनके घर वालों से हम बात करते हैं, और फिर ये भी पूछते हैं कि क्या ऐसा जुल्म हुआ है जो लड़की घर से भागने पर मजबूर हो गई, तो वो मामला सॉर्ट आउट करते हैं। बाकी सारा आपने मुद्दा, सारा मामला आपने सुना कि खातून ने क्या कहा, बाल बच्चेदार है, फिर दुश्मनदारी है, फिर उसके साथ क्या लाइफ में हुआ, और काफ़ी उम्र रसीद है लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेल वो उम्र रसीद है, लेकिन मेल जो है वो यंग है, मोहब्बत है, कहते हैं ना दिल है किसी पे भी आ सकता है, मोहब्बत का जज्बा है। इसको हम यही कह सकते हैं कि इस माशरे में, इस दुनिया में भी सच्ची मोहब्बतें हैं। हम कहते हैं ना कि जिस्मों का खेल है ये है वो सारा कुछ है, लेकिन सबसे अहम बात ये 10 सालों से वो बगैर निकाह के रह रहे हैं। दिल भर जाता छोड़ भी देते, लेकिन उसके बावजूद ये रह रहे हैं आपस में। आप इस प्रोग्राम को क्या नाम देंगे? हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में फी अमानिल्लाह।